के लिए, मैं कानून पर आऊंगा। पहला मेरा प्रश्न आपसे यह है, चूंकि आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान किसी को अधिकार देता है जूते चप्पल मारने का? जवाब है ना, मैंने जूते चप्पल मारने का अधिकार देता है? अगर आपको लगता है कोई संविधान के खिलाफ जा रही है सरकार, तो सर्वे करने वाले लोगों को आप जूते चप्पल मारेंगे? मैंने कब कहा जूते चप्पल मारो? तो जूते चप्पल का से स्वागत करो का क्या मतलब होता है? उनको बाटा का जूता गिफ्ट कीजिए, उनको चप्पल गिफ्ट कीजिए एडिडास का। आप जो निकालें ये आपकी सोच है। नहीं, सोच क्या, ये तो सिंपल सी बात है। आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, आपका फूलों से स्वागत करेंगे कि आपका जूते चप्पल से स्वागत करेंगे, क्या बोलते हैं? और कोई आपको बोलेगा कि आइए मेरे कार्यक्रम में जूते चप्पल से स्वागत करेंगे, तो आप खुशी खुशी जाएंगे उसके कार्यक्रम में? सुनिए, मैं जवाब देता हूं। जो आदमी मेरे घर में बिना किसी बात के संविधान को हटाकर, कानून को हटाकर आता है, क्या मैं फूलों से स्वागत करूं उसका? तो जूते चप्पल चलाएंगे, बताइए आप मुझे। नहीं, तो जूते चप्पल चलाएंगे कि पुलिस के पास जाएंगे? मेरे निजी मदरसे, पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आप जूते चप्पल चलाएंगे? आपको क्या लगता है पुलिस के पास डंडे नहीं है? जो जूते चप्पल चलाएंगे वो डंडे और पुलिस पलट के नहीं मारेगी उनको? परेशान जी, अरे भाई साहब, गुस्से में मत आओ आप। मैं गुस्से में कहा आ रहा हूँ सर, मैं तो पूछ रहा हूँ। आपने पहले कहा आपने जूते चप्पल चलाने की बात नहीं की, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे घर में कोई आएगा तो जूते चप्पल नहीं चलाएंगे क्या? तो पुलिस पलट के डंडा चलाएगी तो क्या होगा सर? नहीं, मैंने नहीं कहा कि जूते चप्पल मेरी आप फिर कह रहे हैं कि मैंने कहा कि जूते चप्पल नहीं चलाएंगे, कि मैंने तो नहीं कहा कि जूते चप्पल नहीं चलाएंगे। आपने जब कहा कि जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, इसका क्या मतलब था? जूते चप्पल चलाएंगे क्या? साजिद भाई, आपने कहा जूते चप्पल से स्वागत कीजिए जो सर्वे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब था? आप और बता दीजिए लोगों को। इसका मतलब यह है कि देश में भुखमरी है, रोजगारी है, बेकारी है, उनको दीजिए गिफ्ट, दीजिए कुछ गिफ्ट, कुछ भला उनको बिचारों का, जूते चप्पल। हाँ, तो जिस को आपका बयान पसंद नहीं आया, स्वागत का मतलब मारना थोड़ा ही है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ जिस को आपको आपका बयान पसंद नहीं आया और वो कहे कि साजिद रशीदी को जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, क्या ये बयान आपको पसंद आएगा? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए आपकी कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? बॉस, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है सर, आप बात को मत घुमाइए। अगर लग रहा है गलत बोल दिए हैं तो उस पर माफी मांगिए, हम फिर कानून पे चर्चा करेंगे। कौन सी डिक्शनरी में है जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है? कौन आपको आज तक किसी ने कार्यक्रम में बुलाते वक्त कहा है मैं जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा? किसी ने बोला है सर? और अगर बोल देगा तो आप क्या कहिएगा कि तुमने मेरी बेइज्जती की? नाम बताइए ना मुझे, उस डिक्शनरी का नाम बताइए ना, कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? डिक्शनरी का नाम बताइए। अच्छा ठीक, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपका जूते चप्पल से स्वागत करूंगा, तो आप मेरी तारीफ करेंगे? आप आएंगे स्टूडियो? वो देखूंगा जब आप बोलेंगे। नहीं तो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, अब आप क्या जवाब देंगे? आइए मेरे स्टूडियो, मैं जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा, क्या करेंगे आप? कि बहुत अच्छी बात है आप मुझे जूते चप्पल गिफ्ट करने वाले हैं? वो मैं भी जवाब दूंगा ना फिर उसका। हाँ तो दीजिए, मैं तो सुनना चाहता हूँ आपका जवाब क्या है। वही जवाब मैं वही जवाब वो सर्वे करने जो जाएंगे वो देंगे पलट के, आप दीजिए उनको, वो भी सिखाइए। आप मुझे, हाँ तो देंगे, तो आपके पेट में क्यों दर्द है मेरे भाई? क्योंकि मेरा भी देश है ना सर। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जूते चप्पल मारो, और कल को पुलिस एक्शन लेगी हमारे मुसलमान भाइयों पर तो आप वहां से गायब हो जाएंगे, लाठी पड़ेगी उनको। अच्छा मेरा देश नहीं है। आपका देश होता तो आप जूते चप्पल चलाना नहीं सिखाते सर। मेरा आप कानून पर बात करते, आप कहते मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा कि मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए। बर्बाद हो रहा है, सुनिए, मेरा देश बर्बाद हो रहा है, मेरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, मेरा देश कारोबार से परेशान है, मेरे देश के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो गुस्सा आएगा तो जूते चप्पल चलाएंगे सर, जूते चप्पल चलाएंगे। स्वागत करो, इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों को बड़ा गुस्सा आता है सर, लेकिन आज तक किसी ने कहा कि सर तन से जुदा करने वाले मिल जाए तो उनका जूते चप्पल से स्वागत करो? सब कहते हैं FIR करो इनके ऊपर। अरे प्रशांत मियां, आप क्यों? मेरा नाम सुशांत है सर, क्यों इतना गुस्से? मेरा नाम सुशांत है, मेरा नाम कोई गलत लेता है, मैं जूते चप्पल से उनका स्वागत करने की बात नहीं करता, मैं उनको सिखाता हूं कि जूते चप्पल से स्वागत नहीं करना चाहिए, और मेरा नाम सुशांत है। सुशांत सुशांत है तो ठीक है,
तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल पूछे ना, गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं सर। एक जर्नलिस्ट मैं, गुस्से मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, आप घुमा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ये मैं दूसरे मेहमानों से रिएक्शन ले लेता हूं। रिजवान अहमद साहब, जर्नलिज्म का बिल्कुल, रिजवान अहमद साहब, क्या आपको लगता है जूते